मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं सिर्फ जो है आफताब को एक गुनहगार की नजर से देखता हूं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, और मैंने तो देश के जो तमाम जिन भी चैनल्स पर मैंने बोला और अपने फेसबुक सोशल मीडिया के जितने भी मेरे माध्यम है, फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो, मैंने उन पर भी यही पोस्ट लगाई कि आफताब जैसे अपराधी को देश के बीच चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए ताकि इस देश के अंदर दोबारा कोई आफताब पैदा ना हो सके। लेकिन आप उन लोगों का क्या करेंगे जो लोगों का एक डेढ़ दो महीने का कोठा पूरा हो गया और वो इसमें भी हिंदू और मुसलमान तराश रहे हैं। देखिए, हर चीज के अंदर हिंदू और मुसलमान आपको नहीं तराशना चाहिए। इस देश के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी, मेरी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी मेरी सांत्वना श्रद्धा के साथ में है उतनी जो है वो अंकिता के साथ में भी है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक मामला होता है जब एक बेटी की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी के चेले और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त मुंह बंद करके चुप रहते हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर हिंदू मुसलमान की कोई घटना होती है या नरेंद्र मोदी जी से सवाल करे जाए या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से सवाल किए जाएं, तो ये जो अंधभक्त हैं ये पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़ते हैं, उछल उछल के पड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सावरकर का मामला चल रहा है। भाई अब आप एक बात मुझे बताइए कि सावरकर जो है जिसने 6 बार माफीनामे लिखे थे, आपको पता होगा, ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, आज उसको कह रहे हैं कि भाई वो माफी नहीं, क्या पता। और कुछ लोग, वो तो राजनाथ सिंह का भला हो, राजनाथ सिंह सामने आकर बताते हैं और राजनाथ सिंह कहते हैं कि सावरकर ने गांधी जी के कहने पर जो है वो माफी मांगी है। कम से कम ये तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि सावरकर ने माफी मांगी है। अब सुन लीजिए, सावरकर ने जो राजनाथ सिंह से पता चला कि भाई गांधी जी के कहने पर मांगी है, अगर उस टाइम पर अर्णब गोस्वामी होते, अगर उस टाइम पर ये आपके अमीश देवगन होते, अगर उस टाइम पर दीपक चौरसिया होते, तो उस टाइम पर ये लोग क्या करते। इन लोगों का बस नहीं चल रहा, ये उस टाइम पर ये दिखा देते कि भैया अंग्रेज जो है वो सावरकर के पास कर्जा मांगने के लिए आए और सावरकर कह रहे हैं भैया मुझे माफ कर दो, ये ऐसे दिखा देते गोदी मीडिया, और उसके बाद अर्णब गोस्वामी शुरू हो जाता। पूछता है भारत कि कैसे जब अंग्रेज उनसे पैसा मांगने के लिए आए तो सावरकर ने बोला कि मुझे माफ कर दो, और आप उसको कह रहे हो कि सावरकर ने माफी मांगी। इस सवाल का जवाब दे गांधी जी, जवाब दे इस सवाल का, नेहरू जी जवाब दे इस बात का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं तो जब मोदी जी को सुनता हूँ तो मोदी जी बता रहे हैं, भैया मोदी जी बता रहे हैं कि मैं 20-22 साल से 2-3 किलो गाली खाता हूँ। भैया आप गाली खाने के काम ही क्यों करते हैं, ठीक है ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि गाली खा के आप काम कैसे करते हैं। गाली खा के मोदी जी काम कैसे करते हैं, मोदी एनर्जी मिलती है उनको। हाँ, भाई मोदी जी कैसे, क्या तराजू से तोलते हैं गाली की 2-3 किलो हो गई, अरे आज 2 किलो का बाट का है, अच्छा संबित पात्रा ले गया, संबित पात्रा भी गाली खाता है। हाँ, तो पता चला कि भाई मोदी जी को एनर्जी मिलती है उससे गाली से, तो देखा कि भाई आज तो गाली कम पड़ रही है, तो पता चलता है कि अडवाणी जी की तबीयत खराब है। अच्छा। तो मोदी जी का 3 किलो गाली पूरी नहीं हो पाई है, 2 किलो गाली जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। भाई मोदी जी जो हैं वो गाली खाते, लेकिन गाली देने का काम तो अंधभक्त करते हैं। कितने मुझे चाहे कितनी भी गाली दीजिए, लेकिन मैं अपने देशवासियों के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। अरे भैया आप एक बात बताइए, आज तक पूरे सोशल मीडिया पर भी आप मुझे एक वीडियो दिखाइए जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी को किसी ने गाली दी हो। अगर प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री से सवाल करना अगर आप उसको गाली समझती हैं, तो भैया पूरा देश दे रहा है तो प्रधानमंत्री से, ये तो हर एक प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री जी, मैं तो ये सोचता हूँ कि गाली खा के काम कैसे करते हैं, है ना। अब और ये देखिए काम कैसे है उनके, देश के लिए कोई विकास का कोई काम नहीं। अच्छा। है कभी टोपी लगाना, टोपी लगाने का भाषण देना, रैली देना, एम्बुलेंस को रास्ता देना, मोदी जी के काम तो कितने बड़े बड़े, रैलियां देना, देश के लिए कुछ ना हो भले ही, भाई देश के लिए कोई स्कूल बने ना बने, स्कूल का क्या है, पेंटिंग बन जाएगी, क्या दिक्कत है। क्या अब इंसाफ भी होगा। मुद्दे से नहीं भटकाएंगे, आ जाइए हिंदू मुस्लिम पे कूद कर, आइए ना हिंदू मुस्लिम पे आएंगे या पाकिस्तान पे। अच्छा आप आइए ना, क्योंकि विकास तो आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। बात श्रद्धा की यहाँ हो रही है जी, क्या अब इंसाफ भी हिंदू मुस्लिम देख कर होगा, ये बात तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए। दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट बंटवारा है वो भी भैया ऐसे होता है, अगर आप चले जाएंगे ना, एक आदमी गया, हाँ जी आओ आपका क्या परिचय है। अच्छा। जी मैंने फलानी जगह सोशल मीडिया पर 50 पोस्टें डाली, मैंने वहाँ दंगे कराए, मैंने हिंदू मुस्लिम से लड़ाया। अच्छा नेहरू को कितनी गाली दी, अच्छा गांधी को मैंने ऐसे बोला, हो आपकी टिकट तो कन्फर्म है। अब महिला पहुंच गई वहाँ पर टिकट लेने के लिए, हाँ जी आपका क्या बायोडाटा है, हाँ
कि मैं तो पहली बार चुन रही हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट, जी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं, तो आप आ कैसे गए यहाँ पर टिकट नहीं? अच्छा, दंगे आपने भाई, दंगे क्या कराए आपने, क्या आपने पोस्ट डाली है, भड़काऊ पोस्ट कितनी डाली है? नहीं मैंने कोई राष्ट्रवादी पार्टी है ना बीजेपी, सुन लीजिए राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, राष्ट्रवादी पार्टी, अब सुनिए टिकट बंटवारा हो रहा है। हाँ अरे वो जो फलाने दंगे हुए थे तो अच्छा वो आपके पिताजी है जो फलाने दंगे में हो रहे हैं, आपके टिकट करो। उसके बाद आपने देखा नहीं, उसके बाद आपने देखा नहीं रविंद्र जडेजा को भी दे दिया टिकट, और उधर से देख दूसरी भाभी को भी दे दिया, तो भाभी भौजाऊ सब आप सबको आपस में लड़ा दिया बीजेपी। मूवी ज्यादा देखते हैं ना, एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है, एक्टिंग तो एक्टर तो नरेंद्र, एक्टर तो नरेंद्र मोदी जी, हमें क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप, एक्टर तो नरेंद्र मोदी जी हैं। एक्टर क्या पूरे देश की वो दुर्गति कर दी, एक साल किसान को सड़क पर बिठा दिया, अरे किसान खेत छोड़कर यहाँ रोडों पर बैठ गया, और उसके बाद ये लोग ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आपको बता दूंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भूल सकती हैं लेकिन इस देश का नागरिक, इस देश का किसान वो नहीं भूल सकता। क्या आप भूल गई जब किसानों के लिए ये बोला गया कि जब इतने किसान धरने पे बैठे हैं तो 50-100 किसान मर गए तो क्या हो गया? ये बात बोली गई थी, आप भूल गई होंगी, मेरे को आज भी ये बात याद है। देश के किसानों के लिए, सुन लीजिए, देश के किसान के लिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, ये देशद्रोही हैं। फिर किसानों ने तो वोट दिया, देख रही है जनता लगातार। मोदी जी झूठ बोलने में नंबर वन थे, हाँ। नंबर वन हैं और नंबर वन रहेंगे। अच्छा। ये राजा बाबू भी जो एक फिल्म आई थी गोविंदा की, उसको भी फेल कर देते हैं इन्होंने। किट सर पे आपने टोपी नहीं देखी? नरेंद्र मोदी जी की पहले की फोटो उठाकर देख लीजिए, अब की फोटो उठाकर देख लीजिए। आप नरेंद्र मोदी जी को खुद को दिखा देंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे हट, ये मैं थोड़ी हूँ। सभ्यता को मानते हैं, जहाँ जाते हैं उस देश की सभ्यता को अपना लेते हैं, और आप कह रहे हैं टोपी लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सभ्यता को जहाँ जाते हैं। अभी आप बात करें मेरे ख्याल से G20 की, जहाँ मोदी जी पहुँचे हैं, है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है देश की गोदी मीडिया ऐसे पहुंच गई है मोदी जी के पीछे पीछे कि जो G20 में मोदी के अलावा कोई और तो है ही नहीं। जो बाइडन जो है, हाँ जो बाइडन जो है वो छोले की लाइन में लगा हुआ है, और वो जिनपिंग जो है उसके चाट गिर गई है उसके कुर्ते पर, है ना। मोदी जी लाल आंख तो दिखा नहीं पा रहे तो उसको अपना लाल कुर्ता ही दिखा रहे। तू मेरा लाल कुर्ता देख, अभी लाल आंख तो मैं दिखा नहीं सकता, लाल कुर्ता ही दिखा देता हूँ तुझे। कैसी बात कर रही दुनिया की लीडर? एक मिनट, आप जो मोदी जी को पूरा हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, इंडोनेशिया में जो G20 सम्मेलन हुआ उसमें मोदी जी को खाली सिंहासन दे दिया है, बाकी एक अलग से चटाई बिछा दी है, बाकी देश के वहाँ बैठेंगे, ठीक है। नहीं, भारत की डंका बज रहा था, मोदी हो रहा था, उसको छोले नहीं मिल रहे हैं, जिनपिंग की कुर्ते पर चाट गिर गया, वो चाट पकौड़ी की लाइन में लगा हुआ है ना, यही सब चल रहा है ना, है डंका कर रहा है देश का। अरे अगर डंका बज, मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी हो गया पूरा बाली। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी का डंका अगर आप कहती है ना बज रहा है, क्या आपको नहीं पता कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर भारत देश के जो भारत और पाकिस्तान, जो भारत और चाइना, सॉरी माफ कीजिए, भारत के कितने जवान चाइना बॉर्डर से वहां से गायब हो रहे हैं? आपको पता नहीं सीमा से कितने जवान देश के गायब हो रहे हैं, पता है आपको? तो और जो घुसपैठी है, जो नहीं कौन कह रहा है, आपके कहने से मना करने से क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री बोल रहे भाई, प्रधानमंत्री आप क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी सच बोलते हैं? प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री जी सच बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुझे ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटी कौन से कोने में बनाई है, क्या चांद के ऊपर जाकर बनाई है? अगर प्रधानमंत्री जी सच बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुझे इस सवाल का जवाब दें कि प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार कहां दिया है? अगर प्रधानमंत्री जी सच बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि बुलेट ट्रेन भारत के किस राज्य में चलती है? अगर प्रधानमंत्री जी सच बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी अगर आपको बेचने का इतना ही शौक है तो आपने जो अपनी संपत्तियां बनाई हैं उन्हें बेची है ना, 70 साल की बनी संपत्तियों को क्यों बेच रहे हैं? आपने तो शौचालय बनाए हैं, कोई शौचालय को खरीदने वाला हो तो शौचालय बेचिए। आपने देश की कोई संपत्ति नहीं बनाई तो आपको उनको बेचने का कोई हक नहीं है। और आप जो बेचने को प्राइवेटाइजेशन का नाम देते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। आज देश के अंदर की जो दुर्गति है, देश का नौजवान जब रोजगार मांगने जाता है तो उसका स्वागत लाठी और डंडे के साथ किया जाता है। भारत देश का किसान जब अपने इंसाफ की और न्याय की मांग करता है तो उसके ऊपर आप वाटर कैनन से पानी छुड़वाते हैं, आंसू गैस के फवारे छुड़वाते हैं आप उसके ऊपर। देश के किसान के लिए आप आतंकवादी जैसे, खालिस्तानी जैसे, पाकिस्तानी जैसे, देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपकी पार्टी के विभिन्न नेताओं के द्वारा किया जाता है।